बड़ा अच्छा सवाल है। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, जब भी इस टाइप का सवाल हो जेड किसको मानो, एल एन वाले पार्ट को, एल एन साइन एक्स को मान लो जेड। अब देखो एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज़ अपॉन में चली जाती है, एल एन एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव दोबारा, तो वन अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफकोर्स कॉस एक्स होता है, डी एक्स आई गई जब हम बात डिफरेंशियल की कर रहे हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये हो गया जेड और ये पूरा पार्ट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया डी जेड, यानी कि डी जेड और वन अपॉन जेड यानी कि एल एन जेड, और ऑफकोर्स जेड हमने क्या माना था, एल एन साइन एक्स माना था, तो एल एन फिर एल एन साइन एक्स प्लस सी। यहाँ देखो ये भी कुछ मिलता जुलता है, जेड में दोबारा एल एन साइन एक्स को ही मानूंगा, तो डी जेड मेरा क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बस फर्क ये है कि वहाँ पे एल एन जेड एक्स नीचे था या एल एन एक्स ऊपर है, यानी यहाँ कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी जेड डी जेड। अब खाली जेड का इंटीग्रेशन हमको पता है, जेड स्क्वायर अपॉन टू होता है, जेड की जगह क्या मौजूद है एल एन साइन एक्स, तो स्क्वायर कहाँ आएगा एल एन साइन एक्स, क्या एक्स पे आएगा एल एन पे या साइन पे, तो ऑफकोर्स साइन पे आता है, एल एन साइन स्क्वायर एक्स वन अपॉन टू ऑफकोर्स प्लस सी तो होगा ही होगा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।